खुश आमदीद। जिस तरह आप जानते हैं कि इवनिंग लाउंज में सभी में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, हेल्थ, ब्यूटी, सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे इंफोटेनमेंट इंटरटेनमेंट होते हैं। तो आप हम चाहते हैं कि जब कुछ सेलिब्रिटी की बात हो, तो इन्फॉर्मेशन की बात हो, तो कुछ आपके मसले मसाइल हैं और मसले मसाइल की डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप लोग भी शेयर करें और हमारे साथ हो जाएं। आपने देखो कि बिजली का बहुत मसला है, लाइट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन ये तो हमारे मसले हैं, हम रो रहे हैं हम अपने मसाइल, लेकिन हम उनको भी तो बुलवाएं कि जिनको ये चला रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है जो हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आज मैंने बहुत ही एफर्ट के बाद, बहुत ही कोशिशों के बाद उस पर्सन को बुलवाया है और नो डाउट उन्होंने एक ही बार में कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन ये जैसे उनका टाइम निकला हुआ है तो मैं मिलवाती हूँ बिजली के, कहते हैं प्रेसिडेंट हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छा इंसान, अच्छी शख्सियत का होना यही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप भी सवाल कीजिएगा, हम भी सवाल करेंगे, मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है। देखें वो आप क्या करते हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं साहबजादा शाह सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सन टीवी के लिए टाइम निकाला। सर उस दिन जब बात हो रही थी लाइट्स जाने की, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर लोगों को, तो अब हम ये पूछना चाहते हैं सर आप ये बताएं आपको कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे पहले तो मैं सन टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा आपका, खसूसी तौर पर आपकी पूरी टीम का, और कि हम आपने आज हमें यहाँ दावत दी। उससे पहले सन टीवी का एक किरदार रहा है हमारे इस मूवमेंट में। पिछले दिनों जो केस में मज़दूरों का एक बहरान चलता हुआ रहा था 3 महीनों से, अच्छा, उसके अंदर हम प्रेस क्लब पर चूँकि भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे जी, तो सन टीवी की पूरी टीम वहाँ पर 2-3 दफ़ा आई। उसमें नाम है हरीश थे एक मेरे ख्याल से और एक दो साथी उनके और थे, उन्होंने हमारे व्यूज़ लिए और अपने इस्तेदाद के मुताबिक जितना सन टीवी का कवरेज है उतना उन्होंने फैलाने की कोशिश की। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मतलब हम समझते हैं कि केसी के मज़दूरों के मसाइल को उजागर करने में हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। दूसरा, केसी में बिजली के बहरान के कई वजूहात हैं, ठीक है। अब आवाम ये समझते हैं कि यह सिर्फ केसी के एम्प्लॉज़ की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें कई अवामिल शामिल हैं और ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक केसी के मज़दूरों का ताल्लुक है तो वो मेहनत कर रहे हैं और केसी की बिजली आज जो कराची की ये रोशनियाँ बहा लेंगे इन मज़दूरों के दम से हैं, और ये मज़दूर मेहनत कर रहा है तो ये बिजली इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अब इदारे में कि कराची की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, अच्छा, और इदारे में जनरेशन पावर प्लांट लग नहीं रहे। पिछले तकरीबन